तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि काली मिर्च का होलसेल बिजनेस कैसे करेंगे। काली मिर्च का बिजनेस की मांग 12 महीना बनी रहती है, क्योंकि ये मसाला में बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर घर में इसका डिमांड रहता है। इस बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि ये खाने पीने वाले आइटम में से एक है और एक तरह से यह सूखा बिजनेस है। जैसे आज ला कर रखेंगे तो आज से एक महीना डेढ़ महीने तक आराम से रखा जा सकता है, ये ख़राब नहीं होता। तो दोस्तों, आज नहीं बिका तो कल बेच लेंगे, कल नहीं बिका तो एक हफ्ते बाद बेच लेंगे, तो इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, इस ऐसा बिजनेस क्या होता है, सूखा जो आइटम रहता है वो उसमें ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस नहीं रहता, तो या ख़राब भी नहीं होता। तो इस बिजनेस में जितना पैसा लगाएंगे उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे, और जितना आप होलसेल में जितना भी इसका व्यापार करेंगे अच्छे से, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मंगाएँ, किससे संपर्क करें, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें, भारत में काली मिर्च मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप में उगाया जाता है। भारत दुनिया में काली मिर्च का नंबर वन उत्पादक और उपभोक्ता और निर्यातक। तो आपको अगर जैसे काली मिर्च मंगाना है तो आपको केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जो कि बेस्ट एरिया है, जहाँ पर आपको अच्छे दामों में काली मिर्च मिल जाएगा, और वहाँ से आप ट्रांसपोर्ट करके बस लाना है आपको। और यहाँ पर क्या है, आप जब काली मिर्च लेने जाते हैं तो आपको 10 से 20 रुपए का जैसे लेते हैं, तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलता है। तो आप इसका होलसेल बिजनेस जैसे करेंगे, जिसमें बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये हर जगह नहीं मिलता, इसलिए ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है अभी के डेट में। कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होता है, जैसे आप एक मीट्रिक टन मंगाते हैं, जैसे 1000 किलो मंगाते हैं एक छोटा गाड़ी में, जैसे वहाँ से मंगाते हैं, अगर आपको एवरेज होलसेल में 800 रुपये भी पड़ता तो 8 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इससे कम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके सेलिंग के ऊपर। अगर अच्छा सेल हो रहा तो आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। अभी लाया बिकेगा, फिर उस पैसे को लगा देना है, फिर से इस तरह से आपको करते रहना है, उसके ऊपर जितना भी लगा सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करना प्रॉफिट कमाना। तो सिर्फ 100 रुपए किलो मार्जिन लेकर चलेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ऐसा आइटम जो जहाँ पर हर जगह नहीं उगाया जाता, हर जगह नहीं होता, ऐसे आइटम का मार्जिन अच्छा रहता है, क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलता। आपको वहाँ से ला करके आप पूरा होलसेल में दे रहे हैं, तो वहाँ पर उसका मार्जिन बहुत ही अच्छा रहेगा और प्रॉफिट ही होगा। तो अगर आप एक टिकट मंगाते हैं, जैसे 1000 किलो मंगाते हैं और पर किलो में आपको 100 रुपये प्रॉफिट होता है, तो सीधा सीधा आपको 1 लाख रुपये का प्रॉफिट होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे मंगाएं। डायरेक्ट ब्रोकर के जरिए मंगा सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ के किसान से भी ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वहाँ से किसान से लेंगे तो आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से ट्रांसपोर्टर को बोलकर एक गाड़ी लगवाना पड़ेगा और वहाँ से लेकर आना पड़ेगा। और अगर दोस्तों आप डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू लेना चाहते हैं, तो ब्रोकर क्या करेगा, आपको पूरा घर तक पहुँचा के देगा और साथ आपका जो माल है उसका इंश्योरेंस भी करवा के देगा, ताकि रास्ते में अगर कुछ हो जाता है तो वो क्या होता है, उसका क्लेम इंश्योरेंस वाले से मिल जाता है, उसमें दिक्कत नहीं रहता, इसलिए ये ज़्यादा सेफ़ है। तो आपको जो अच्छा लगता है उससे मंगवाइए, दोनों मोड सही हैं। बस ये क्या होता है, डायरेक्ट किसान से मंगाएंगे तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, अगर ब्रोकर से मंगाएंगे तो वो क्या करेगा, अपना ब्रोकरेज चार्ज काटेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा महंगा हो जाता है। किससे संपर्क करें, तो डायरेक्ट आप वहाँ के किसान से जाकर संपर्क कर सकते हैं। अगर उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पा रहा है, या तो नहीं को पता नहीं है कहाँ जाना है, तो आप इंडिया मार्ट के वेबसाइट में जैसे सर्च करेंगे काली मिर्च होलसेल बिजनेस, तो आपको बहुत सारे होलसेलर का नाम आ जाएगा और वहाँ से आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देते, तो चलिए बता देता हूँ आपको संपर्क किसके करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना, गूगल में क्या करना है, इंडिया मार्ट करके लिख लेना है इस तरह से, इंडिया मार्ट, और इस तरह से करने के बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, इंडिया मार्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड एक्सपोर्टर करके है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा, यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम। तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऑनियन कर देता हूँ, ऑनियन होलसेलर। तो यहाँ पर ऑनियन होलसेलर आ गया, जैसे इसको क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा, तो आपके सामने बहुत से सप्लायर का नेम आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर, कॉन्टैक्ट सप्लायर करके इस तरह से आ रहा है। तो आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी सप्लायर को करने का। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक खुद का तो दुकान चाहिए और दुकान के साथ साथ एक गोडाउन चाहिए, ताकि आप उस माल को रख रखाव कर सकें, और साथ में खुद का GST नंबर चाहिए, जो हम गवर्नमेंट को GST टैक्स पेमेंट करते हैं उसके लिए आपको GST नंबर लेना जरूरी है। ये ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या तो इसको आप ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या तो किसी CA या अकाउंटेंट के पास से अप्लाई करवा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत ही ईजी है GST नंबर। चौथा है दोस्तों, कम से कम एक स्टाफ। अगर आप होलसेल बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों आपको कम से कम एक स्टाफ जरूर लगेगा, क्योंकि आपका पूरा दुकान का देखरेख, बैंक से रिलेटेड काम हो गया है, या तो फिर आप पर आपको कम से कम एक स्टाफ जरूर लगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।